एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो मैंने पाइल बनाया है आज आज पिका कार्ड रीडिंग करेंगे, यानी कि आप जो है इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज कर लो। कोई एक पाइल चूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कौन सा जो है आपके लिए है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कार्ड जो है पिक कर लो आप अपने इंट्यूशंस के अनुसार से, और तब जो है हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पाइल वन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर टू को साइड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, और देखते हैं कि पाइल वन में क्या है। जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लगता है कि पैसे का कोई लेन देन हुआ है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हो आप दोनों के बीच में। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। देखो यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है मुझे लगता है कि पैसे का ही दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को पैसे दिए हैं, या फिर आपका आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान है, आपके पर्सन का मानना है। ठीक है, आपने बहुत हेल्प की है इस पर्सन की। यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये पर्सन का दिख रहा है कि आज ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये पर्सन सिर्फ आपके जो है आपके पैसे के बारे में, या फिर जो है अपने पैसे के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन टोटली, ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन का अभी टोटली फोकस अपने फाइनेंसेस पे है, अपने करियर पे है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन अपने जो है ऑफिस में जो लोग हैं उनसे घिरे हुए हैं, उनसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने में लगे हुए हैं ये पर्सन। यहाँ पे वही है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं ये पर्सन। तो आज आपके पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर वन। चलिए पाइल नंबर टू की बात कर लेते हैं। पाइल नंबर टू जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, वाव, लव का कार्ड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपको आज मिस किया या नहीं, मिस कर रहे हैं या नहीं। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेविल की एनर्जी है, और यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज जो है आपके पर्सन ने आपको मिस किया। ठीक है, पाइल नंबर टू जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन, अगेन यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन टोटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन टूट चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन रो भी रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से तकलीफ में है जैसे कि ये पर्सन को एकदम से इस पर्सन की जिंदगी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे ये पर्सन को आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा फील हो रहा है। तो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।